सो फाइनली आई कंप्लीटेड 6 out of 8 जर्नी ऑफ इंजीनियरिंग. अब सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो अभी तक तो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया भाई इस सेमेस्टर का. अभी देखते हैं रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें बताऊंगा. सारे एग्जाम, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम बिल्कुल उमदा गए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट मेरे को काफ़ी डर लग रहा है कभी बैक ना आ जाए उसमें. हाँ, ऑनलाइन सेमेस्टर में बैक यार, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैंने ज्वाइन करा, उस सब्जेक्ट का क्लासरूम मैंने ज्वाइन करा था 2 महीने बाद सेमेस्टर स्टार्ट होने के, और तब तक 1-2 यूनिट टेस्ट हो चुके थे. बाकी देखते हैं यार, आगे जो भी होगा देखा जाएगा. और उसके अलावा बैठना, लेटना, सोना, खाना. हाँ, बैठना, लेटना, सोना, खाना. तो पिछले कुछ 1 महीने से मेरा यही शेड्यूल चल रहा है, मेरा यही लाइफस्टाइल चल रहा है. लाइफ में कुछ वर्कआउट नाम की चीज़ नहीं है, घर पे पड़े हुए हैं, दबा के खाना वाना चल रहा है, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है. तो जब से भी लॉकडाउन वगैरह लगा, जिम वगैरह बंद हुए, तो फिर अपना जो रिलैक्स्ड मोड है वो ऑन हो चुका था. और वहीं रिलैक्स्ड मोड ऑन के चलते बैठना, लेटना, सोना, खाना, बस यही हो रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था. अब मैं आपको अगर पहले की बात बताऊं तो मैं हर वीक, हर 10-15 दिन में अपनी बॉडी की फ़ोटोज़ लेता था, जिससे मैं वो प्रोग्रेस देख पाऊं कि यार बाइसेप वगैरह कितने बढ़ रहे हैं, पेट वगैरह कितना कम हो रहा है, फैट वगैरह कितना कम हो रहा है बॉडी में, ताकि कभी यार आने वाले टाइम में साकेत गोखले जैसी बॉडी बनती है तो देखने में मज़ा भी आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ. और अभी कुछ दिन पहले मैंने दोबारा अपनी बॉडी की वीडियो बनाई, तो मैंने देखा यार ये तो भाई गलत ही सीन हो रहा है. मतलब जिस फेज से यहाँ तक आए हैं, अब दोबारा उस फेज़ में वापस जाने की तैयारी चल रही है. साइड फैट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसा तो काम चलने नहीं वाला था. अब मेरे को अपने एक दोस्त की याद आई जिसने फर्स्ट ईयर में एप्पल साइडर विनेगर पी के, तो डाइट कंट्रोल करके, थोड़ा सुबह सुबह वॉक वगैरह करके, उसने यार काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट का बॉडी फैट परसेंटेज कम करा था. वो वर्कआउट नहीं करता था, मतलब वो वेट ट्रेनिंग नहीं करता था, जस्ट नॉर्मली उसने काफ़ी अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा था. तो मैंने भी सोचा यार क्यों ना एप्पल साइडर मंगवाया जाए, और अगले ही दिन मैंने ऑर्डर कर दिया और उसके अगले दिन आ भी गया. अब यार 2 महीने बाद मेरा प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, और मेरा रिज्यूमे देख के आप लोगों को लिटरली हंसी आ जाएगी, मतलब क्या बना रखा है ये. तो मैंने लास्ट टाइम अपना रिज्यूमे बनाया था, वो बनाया था पिछले साल इसी टाइम पे. उसके बाद से मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट ही नहीं करा, और अपडेट करने लायक कुछ करा भी नहीं मैंने. अब यार खाली DSS से भी काम नहीं चलने वाला. मैंने निशान भैया से पूछा, मतलब कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो निशान भैया ने बोला यार 60% जो रहता है, 60-70% वो रहता है DSS, जो 30% रहता है वो रहता है प्रोजेक्ट्स का. और प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे रिज्यूमे में हो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है. तो हाँ यार, स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह वाला सीन अच्छे से. ठीक, कोई ना कोई स्किल्स तो होनी चाहिए यार. तो ये प्रोजेक्ट वाला सीन किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सीन है, कैसे कैसे मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, अब स्किल्स की बात आई है तो यहाँ पे मैं आपको री लेवल के बारे में बताना चाहूंगा, द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो. अब री लेवल इज इंडियाज फर्स्ट हायरिंग टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म. अब काफ़ी बार क्या होता है, किसी कैंडिडेट के पास, किसी स्टूडेंट के पास अच्छी खासी स्किल है, चाहे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो, चाहे बैक एंड डेवलपमेंट में हो, लेकिन उसके कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आती है इतनी ज़्यादा, या फिर उसका नेटवर्क अच्छा खासा ना होने की वजह से मतलब जॉब ढूंढने में काफी मुश्किल हो जाती है. सो इफ यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन री लेवल टूर्नामेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज, योर डिग्री. चाहे आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, अपना बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप लोग री लेवल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड गाइस, अगर आप लोग री लेवल टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू कैन अप्लाई इन कंपनीज लाइक अर्बन कंपनी, रेजर पे, अपग्रेड एंड काफी अदर कंपनीज विद अ सीटीसी ऑफ अप टू 15 लाख पर एनम. बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ टूर्नामेंट. द फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज बैक एंड डेवलपमेंट, थर्ड इज बिजनेस डेवलपमेंट. तो आप लोगों के पास अगर रिक्वायर्ड स्किल है, जरूर री लेवल टूर्नामेंट के लिए अप्लाई करना. तो गाइस, और भी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना. एंड गाइस, याद रखना जो डेडलाइन है वो है 22nd of June की, तो उससे पहले पहले अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करना, ठीक है. और मेरा कोड यूज करना मत भूलना, आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा. भाई खाली एप्पल साइडर विनेगर पीने से तो काम चलेगा नहीं, अपना आप ही साइड फैट कम नहीं होगा, वर्कआउट भी करना ज़रूरी है. तो इसलिए मैंने स्टार्ट करा यार होम वर्कआउट करना. अब ऐसा नहीं है वीडियो बनाने के लिए आज से ही मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, पिछले 1 वीक से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वो भी रेगुलर. चलो चलते हैं फिर. और बाकी हाँ, पुल अप बार भी इसलिए मंगवाई थी, करते हैं फिर वर्कआउट स्टार्ट. अब यार मेरे से ना पुलअप्स लगते नहीं अच्छे से, मतलब 3-4 पुलअप्स लगे उसके बाद तो सपोर्टर ही चाहिए होता है, मतलब कोई पैर पकड़ के लगवा दे. वैसे जनरली जिम में यार मेरा छोटा भाई लगवा देता है मेरे से पुलअप्स वगैरह. अब सुबह तो यार वो सो रहा होता है तो कहाँ उठाएं.
ठीक है, तो इसलिए मैंने एक नया तरीका देखा कि चेयर लगा के पुलअप्स लगाते हैं, तो एक टांग जो मेरी रहती है वो रहती है चेयर पे, बाकी एक टांग लटकी हुई रहती है, और सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जज मत करना कि क्या क्या मजाक बना रखे आधे आधे पुलअप्स का। तो यार इस बार का जो सेमेस्टर है ना वो यार काफ़ी लंबा खिंच गया, क्योंकि बीच में 20 दिन का कोविड ब्रेक आ गया था, वरना जनरली यार फर्स्ट वीक ऑफ मई में सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रहती है छुट्टियाँ। ठीक है, मतलब 2-3 महीने की छुट्टी रहती है, उसमें जो भी करना है, कोई स्किल सीखनी है, कोई कुछ करना है, तो वो चीज़ें सीख सकते हैं सारी। अब हमारे भी कुछ ऐसे ही, मतलब 2 महीने बीच में बिल्कुल ऑफ है, कॉलेज की कोई टेंशन नहीं है, कोविड वगैरह भी लगा हुआ है तो लॉकडाउन भी लगा हुआ है, बार बार घूमने के डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो एक बाइक राइड का मेरा काफ़ी मन कर रहा था, लेकिन चलो अभी काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कोविड के चलते घर पर ही हैं सारे, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेंगे। और यार पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था ना, मतलब लाइफ में थोड़ी परेशानी सी ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है, और जब जब मैं परेशान होता हूँ, जब जब कुछ हर्डल्स आते हैं, जब जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है यार। मतलब प्रॉब्लम के सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढना अलग अलग, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए इतना तो है यार, जब भी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो बस उसी प्रोसेस में लगे हैं, कैसे सीखा जाए, कैसे सीखा जाए। तो एक मैंने बुक भी मंगवाई थी वैसे, तो यार ये बुक इरफान जुनेजो ने रिकमेंड करी थी, तो मैंने भी सोचा यार पढ़नी चाहिए एक बारी। वैसे मैं बुक पढ़ने का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन यार इरफान भाई आपने रिकमेंड करी है तो एक बारी मैं ज़रूर पढ़ के देखूंगा। मैंने इससे पहले भी यार कुछ बुक्स मंगवा रखी हैं, लेकिन आधी पढ़ता हूँ मैं फिर रख देता हूँ, मज़ा ही नहीं आता पता नहीं क्यों। इस बुक के साथ अभी तक तो ऐसा मतलब 1-2 दिन हुआ मेरे साथ, लेकिन है ना एक चीज़ और देखी मैंने यार, इस बुक में थोड़ी वोकैबुलरी हमारे लेवल से काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, तो मेरे को यार गूगल खोल के बैठना पड़ता है, क्योंकि जैसा देख रहे हो हर पेज में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो सर्च करके मीनिंग लिखना, तो देखते हैं वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी इस बुक को पढ़ने के बाद। तो प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये कभी और वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ उन सारी चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, तो देखते हैं क्या सीखने को मिलता है इस बार। आई होप आप लोगों को भी ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। ये नहीं बोलना यार वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मज़ा नहीं आता इसमें यार, मतलब इतने समझदार आप लोगों, अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल सब्सक्राइब करना होता, तो बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है इसमें। काफ़ी टाइम से मैं नहीं भी बोलता हुआ आ रहा हूँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यार, लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दिया करो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।